लेट्स गो ऑन टू द बेसिक्स. व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है और क्यों उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है आज? देखिए, प्लाज्मा नॉर्मली ब्लड का एक कंपोनेंट है जो भूल जाता है, जो भुला दिया जाता है. उसके ब्लड के अंदर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ब्लड के सेल्स हैं. आपने रेड ब्लड सेल्स, RBCs, डब्लू ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स, WBCs का नाम सुना, प्लेटलेट का नाम सुना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी फंक्शंस में. मगर प्लाज्मा का भी इंपॉर्टेंट रोल है. प्लाज्मा वो फ्लूइड है, वो पानी है, वो लिक्विड है जो ब्लड में इन सारे सेल्स को कैरी करता है, राइट? और ये पूरे ब्लड के कंपोनेंट्स, जितने भी इसके साथ और जा रहे सारी चीज़ें हैं, वो लेके आपके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का काम प्लाज्मा का है. प्लाज्मा बॉडी का इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्लड. 55% ब्लड का पार्ट अबाउट प्लाज्मा है. और अगर आप ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट कर देंगे, लाइट येलो फ्लूइड है जिसके अंदर बिलीरुबिन होता है और दूसरे पिगमेंट्स के वजह से ये येलोइश दिखता है. प्लाज्मा पानी, सॉल्ट और एंजाइम्स के साथ ये थोड़े बहुत पिगमेंट्स भी होते हैं. मेन रोल प्लाज्मा का है कि वो न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स आपके बॉडी के एक एक पार्ट को लेके जाता है. प्लाज्मा का वहाँ रोल है. बाकी सारे जो सेल्स हैं आपके बॉडी के सेल्स हैं, वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्लाज्मा में ही डाल देते हैं. और प्लाज्मा इस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का भी काम करता है. ब्लड प्लाज्मा ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में पूरे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ब्लड को भी लेके जाता है, ब्लड के कंपोनेंट्स को भी लेके जाता है. रेड ब्लड सेल, WBCs, प्लेटलेट्स, सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो सारे के सारे प्लाज्मा के थ्रू जाता है. वाई प्लाज्मा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी हेल्दी? क्यों ये ज़रूरी है? प्लाज्मा एक क्रिटिकल पार्ट है आपके ट्रीटमेंट का. प्लाज्मा कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी ट्रीटमेंट के हिसाब से दिया जाता है, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, COVID-19. यहाँ पर इसीलिए लोगों को बोला जाता है कि प्लाज्मा डोनेट करो. क्यों दिया जाता है? क्योंकि अलॉन्ग विथ वाटर, सॉल्ट एंड एंजाइम्स, उसमें पानी है, नमक है, एंजाइम्स है, प्लाज्मा में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंटीबॉडीज, जो कि कई सारी बीमारियों के खिलाफ एक्ट कर सकती है, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस और दूसरी बहुत सारे इन्फेक्शन, दूसरे बहुत सारे वायरसेस. जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है जिसमें इम्यूनिटी कम है, उसमें दिया जा सकता है एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज उनकी हेल्प करेंगे उस पर्टिकुलर बीमारी से ठीक होने में. नंबर दो, उसके अंदर होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स. किसी में ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पे बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है FFP, तो ब्लीडिंग रुक जाती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ जाते हैं. उसमें अल्ब्यूमिन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स, अल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन. फाइब्रिनोजन भी क्लॉटिंग में काम आता है. और अल्ब्यूमिन जो है वो बेसिकली ऐसी बीमारियां में दिया जाता है जब शरीर में प्रोटीन कम हो जाए, शरीर हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाए, किडनी प्रॉब्लम, कोई लिवर प्रॉब्लम, इन सारी केसेस में ऐसा हो सकता है. जब आप ब्लड डोनेट करते हो, एक हेल्थ केयर वर्कर, एक डॉक्टर एक मशीन यूज करते हैं प्लाज्मा फेरेसिस के लिए. प्लाज्मा फेरेसिस में आपका जो ब्लड है आपके शरीर से निकल के एक मशीन के थ्रू जाता है, जो ब्लड अलग 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 चेम्बर्स में अलग अलग मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है. और उससे होता क्या है कि सारे जो ब्लड के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, WBCs, प्लेटलेट्स, वो सब रुक जाते हैं और प्लाज्मा जो है वो अलग हो जाता है. और ये प्लाज्मा के अंदर बच जाते हैं आपके ब्लड के एंजाइम्स, आपके एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिब्रिनोजन, ये सब. इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर भी निकाल दिया तो जो बचता है उसको हम बोलते हैं सीरम. सीरम, सीरम अलग है, प्लाज्मा अलग, राइट? प्लाज्मा इस तरह से प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है और जो बाकी बचा हुआ ब्लड है प्लाज्मा हटा के वो वापस आपके शरीर में आता रहता है. तो इसीलिए आपको वीकनेस नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्लाज्मा फेरेसिस डोनेशन में कोई भी इशू नहीं है. पर शर्त है, ऑब्वियसली आप हेल्दी होने चाहिए. एक बीमार इंसान से प्लाज्मा नहीं ले सकते. एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी वीक है, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम है, उससे और प्लाज्मा लेना नहीं जाता. तो एक हेल्दी इंसान से जिसके अंदर बाकी सारे सिस्टम्स ठीक है, उससे प्लाज्मा लिया जा सकता है. यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ये प्लाज्मा को जो लेते हैं इसको फिर कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है वेरियस प्रोडक्ट्स में.
इसमें से एंटीबॉडीज अलग किए जा सकते हैं, इसमें से प्लाज्मा प्रोटीन्स अलग किए जा सकते हैं, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स अलग किए जा सकते हैं, इसमें और ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स और दूसरी चीज़ें अलग की जा सकती हैं, और उन सबको कॉन्सेंट्रेट करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं अलग अलग बीमारी को ठीक करने के लिए। मगर इसमें बहुत सारे लोगों का प्लाज्मा लगता है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, और इसमें कई सारे बीमारियों को बचाया जा सकता है, जैसे जेनेटिक बीमारियों को बचाया जा सकता है, कई सारी जैसे अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जैसे जनरलाइज्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, राइट, जैसे हीमोफीलिया, ऐसी बीमारियों को बचाने के लिए। लेकिन ऐसे कई सारे लोगों के प्लाज्मा लगते हैं, इसीलिए कई कंट्रीज में प्लाज्मा डोनेशन कैंप्स हैं, डोनेशन सेंटर्स हैं डेडिकेटेड, जिसमें हेल्दी लोगों का भी प्लाज्मा लिया जाता है। और ऐसे हेल्दी लोगों के आप मानोगे 130 लोग जब प्लाज्मा देते हैं अपना, तब एक आदमी जिसको जनरलाइज्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी है उसकी मदद की जा सकती है। जब 900 लोग डोनेट करते हैं तो एक आदमी जिसको अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी उसकी मदद की जा सकती है। जब 1200 लोग डोनेट करते हैं तब एक आदमी जिसको हीमोफीलिया है उसकी मदद की जा सकती है। इसलिए बहुत सारे लोगों का डोनेशन की जरूरत पड़ती है ये केस। लेकिन और भी कई काफी सारे पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, इन प्रोडक्ट्स को यूज किया जा सकता है। किसी को शॉक हो, कोई शॉक में हो पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो, किसी को बहुत ज्यादा चोट लगी हो, ट्रॉमा हुआ हो, किसी को सिवियर बर्न हुआ हो, या कोई कई सारी मेडिकल इमरजेंसीज हैं जिसमें प्लाज्मा या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कभी ब्लीडिंग रोकने के लिए, कभी एंटीबायोटिक एंड कभी वायरल इन्फेक्शन रोकने के लिए, कभी दूसरी किसी कारण के वजह से डेफिशियंसीज के लिए दिया जा सकता है। प्रोटीन और एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा के अंदर है वो रेयर रेयर बीमारियां जो हमने बताई, ऑटो इम्यून डिजीजेज, हीमोफीलिया, उसके लिए भी दी जाती हैं। और वो एक तरीके से गिफ्ट ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि बाकी उनके लिए और कोई इलाज ही नहीं है। तो आप लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, हेल्दी इंसान को डोनेट करना चाहिए इन बीमारियों के लिए। और एक कन्वर्सलेंट प्लाज्मा नाम की चीज होती है। कन्वर्सलेंट प्लाज्मा का मतलब है कि वो लोगों का प्लाज्मा जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिनका COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, उनके अंदर सिम्टम्स आए हो ना आए हो, कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है, वायरल मार्कर और वायरल टाइटर किया गया हो, या एटलीस्ट पॉजिटिव आया हो और वो ठीक हो गए, या तो वो डिस्चार्ज हो गए भर्ती होके, जैसा कि अभी 5-6 हज़ार लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं तो आज के डेट तक, 26 अप्रैल तक, और आगे भी जितने भी लोग डिस्चार्ज होंगे वो सारे लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं डिस्चार्ज के 14 दिन के बाद, इमीडिएटली नहीं, ठीक हो जाने के, आखिरी ठीक हो जाने के 14 दिन के बाद वो डोनेट कर सकते हैं। और देखो, इमीडिएटली इसलिए नहीं करते क्योंकि तब वीक होती है बॉडी, तब उतने एंटीबॉडीज जो है प्रोड्यूस नहीं भी होते, इकट्ठे नहीं होते हैं, और उसी समय निकाल लेंगे तो वो इट्स नॉट द बेस्ट फॉर द पेशेंट। सो इसीलिए 10-14 दिन रुक के, क्योंकि हो सकता है पहले 3-4 दिन अस्पताल में ही थोड़ा सा आपके सिम्टम खत्म हो गए, 2 दिन बाद आपको छुट्टी हुई, तो 2 दिन वहीं हो गए, 2-4 दिन घर जाके, फिर 14 दिन हो गए, टोटल 14 दिन एसिम्टोमेटिक नेगेटिव कोविड होने के बाद आप निकाल सकते हैं प्लाज्मा का एक डोनेशन, और हर 10 दिन में आप फिर डोनेट कर सकते हो, बार बार डोनेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप हेल्दी रहते हो, फिर उसके बाद आपकी ब्लड और बनता है और अच्छा रहता है, तो यू आर गुड लाइक दैट। फिर ऐसे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके अंदर कोई और बीमारी नहीं होनी चाहिए, आपका ब्लड हेल्दी होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, कोई और वायरस, कोई और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए आपके अंदर, तब आप एक प्लाज्मा डोनर क्वालिफाइड होते हो। और एक्चुअली ड्यूरिंग डोनेशन आपको एक सुई लगती है आम में, बिल्कुल जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, मशीन में जाता है, वापस फिर दूसरी जगह से आपको चढ़ा दिया जाता है, इसको कहते हैं प्लाज्माफेरेसिस, ठीक है, दैट इज देयर। और सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है पीपल विद ब्लड टाइप AB ग्रुप जिसका है, वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डिमांड होती है प्लाज्मा डोनेशन के। वैसे तो प्लाज्मा डोनेशन यूनिवर्सल है क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स निकाल दिया जाता है, तो ब्लड ग्रुपिंग का कोई रोल नहीं रह जाता, क्रॉस मैचिंग का कोई रोल नहीं रह जाता, लेकिन बाकी सारे टेस्ट किए जाते हैं, कोई और वायरस, कोई और बैक्टीरिया, कोई और इन्फेक्शन, कोई और जेनेटिक बीमारी तो नहीं है उस प्लाज्मा में, सो दैट इज देयर। और कोरोना वायरस के केस में जैसा कि हमने आपको बताया, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लाज्मा के डोनेशंस हों उन लोगों के थ्रू, उन लोगों के जिन लोग जो लोग ठीक हो गए, कन्वर्सलेंट लोग, ताकि ऐसे लोगों को मदद की जा सके जिनमें सीवियर बीमारी है। याद रखिए कि ऐसे पेशेंट जो सिर्फ बीमारी डिटेक्ट हुई है उनके लिए कोई रोल नहीं है, जो सीवियर होते जा रहे हैं, जिनकी रेस्पिरेटरी रेट, सांस की गति
30 से ज्यादा हो गई है एक मिनट में, ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 के नीचे हो गया है, सांस फूल रहा है, या PaO2 और FiO2 का जो रेशियो है वो भी उनका अगर कम होते जा रहा है less than 300, तब फिर ये बीमारी सीवियर मानी जाती है, तब फिर प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। हर पेशेंट में नहीं दी जाती है प्लाज्मा थेरेपी, याद रखिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझना है, और हर पेशेंट से नहीं ली जा सकती है। 14 दिन हो जाने चाहिए डोनर के, और पहले उसका पॉजिटिव टेस्ट होना चाहिए, और कंप्लीट रेजोल्यूशन के बाद 14 दिन के बाद उससे लिया जा सकता है, और नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए उसका, और उसके अंदर अच्छी खासी एंटीबॉडी टाइटर होनी चाहिए खुद में 1:320 से ज़्यादा। अगर उसी के अंदर एंटीबॉडी ज़्यादा नहीं होगी तो उससे लेके किसी का क्या भला करेंगे। सो इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस ट्रीटमेंट प्लान में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन इसमें अभी लिमिटेशन है कि इसमें कोई मेजर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए। जब तक मेजर क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होंगे हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्या बहुत लार्ज स्केल में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, राइट? सो इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, इसमें आप साथ दीजिए, डोनेट करिए, और एक डिटेल वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें पूरा पूरा डिटेल हम बताएंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।